महिला एवं परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर शहर के चकरा तिराहे से पैदल चलकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वेतन वृद्धि एवं ग्रेड पे में विसंगतियों के साथ संविदा पर्यवेक्षकों की पदोन्नति एवं नियमितीकरण को लेकर मांग की गई। जिला परियोजना संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने बताया, उक्त विषय में विभागीय अधिकारियों एवं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को कई बार लिखित एवं मौखिक अवगत कराया गया, इसके बाद भी सरकार मौन बनी बैठी है। हद तो तब हो गई जब महिला बाल साधक मंत्री ने महिला एवं परियोजना संघ को मिलने से मना कर दिया। इस प्रकार की उपेक्षा से समस्त महिला परियोजना संघ में असंतोष व्याप्त है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार को महिला परियोजना एवं पर्यवेक्षकों की 30 वर्षों से लंबित मांगों की चिंता नहीं है। बैटमा से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जिनका निराकरण अभी तक हमारे ऊपर नहीं किया गया है, विगत 15 दिन लगभग हम लोगों के होने वाले हैं और हम आप लोगों के माध्यम से जो है शासन एवं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अपना ध्यान आकर्षित कराना चाहिए कि हम लोगों की शीघ्र अतिशीघ्र जो है रेट पे वेतन विसंगति, हमारी कुछ पर्यवेक्षक बहने जो है संविदाएँ जिनको नियमितीकरण करने के हम लोगों ने जो सुझाव दिए उनको, साथ ही साथ हम लोग जब PSC से अधिकारी आए थे तब हम लोगों के ग्रेड पे सबसे अच्छे ग्रेड पे थे, लेकिन वर्तमान में हम लोगों ने ये देखा है कि विगत 20-25 सालों में हम लोगों से नीचे के अधिकारी थे उनके ग्रेड पे बढ़ा दिए गए, लेकिन परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक जो हमारी बहने हैं उन लोगों के जो ग्रेड पे हैं वो वहीं के वहीं हैं, तो इससे हम लोगों को जो है बड़ा अपमान सहना पड़ रहा है और हम लोग ये शासन की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि इन सभी मांगों को जो है त्वरित करें क्योंकि ताकि हम लोग जो है शासन के काम में वापस ला सकें। आप लोग हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।